का शुक्रिया करते हैं। खुदावंद का शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। सो मैनू भी परमेश्वर ने हिंदुआ विचों गुप्ता बरादरी विचों अपने काम दे लई चुनिया है। सो मैं पिछे डिस्ट्रिक्ट कैथ हरियाणा स्टेट का रहने वाला वा। उत्थे मैं एक सीनियर सैकेंडरी स्कूल का प्रिंसीपल हुंदा सी। सो जीवन मेरे सारा कुछ सी पर मैं बहुत सारी भगतियां करया करदा सी। सो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। सारे की भगती मैं बहुत करया करता सी पर मेरे जीवन के शांति नहीं सी। सो मैं अपनी छोटी जी गवाही दस के चलांगा। मैं रात को सोने तो पहले छोटी जी प्रार्थना करके सोया करता कि जे कोई परमेश्वर है तो मैनू मेरे मन की शांति दवे। तो जो मैं एक दिन अपने स्कूल की प्रिंसीपल की सीट उत्ते बैठा हुआ सी, मैं उस समय अपने इलाके में एक सीनियर सैकेंडरी स्कूल का प्रिंसीपल सी। सो दुनियावी तौर पर मैं बी कॉम बी एड पी एच डी एद इंग्लिश की हुई है। सब कुछ था पर शांति नहीं थी। सारा कुछ सी पर मेरे को शांति नहीं सी। एक दिन जब मैं अपने स्कूल में प्रिंसीपल की सीट पर बैठा हुआ सी, एक परमेश्वर के सेवक मेरे स्कूल में आए। मैं आके कह लग गया कि प्रिंसीपल साहब मैं थोड़े ना कुछ गल्ला बातें करनी है। मैं सोचा कि गले में इन्होंने क्रॉस पाया होया है तो ईसाई ने मेरा धर्म बदलन लिए आए ने। मैं उन्होंने परमेश्वर के दास उत्ते थोड़ा गुस्सा हो गया ते पर परमेश्वर के सेवक जड़े सीट पर बैठे रहे। सो कुछ समा बीतिया तो एक बाइबल मेरे टेबल पर रख के चले गए। तो कह लग गए कि जो जो तुम्हें समा मिले तो इसनों पढ़ लिया करो। तो मैं कदे कदे इस बाइबल को अखबार की तरह खोलता तो बंद कर दिया करता क्योंकि मैं एक करोड़पति फैमिली चो बच्चा सी। तो मैं सोचता सी कि ईसाई धर्म की किताब है। सो एक दिन इतवार का दिन से जो मैं इस बाइबल को खोलिया मेरे अगे यूहन्ना 14 दे आयों की 27 आयत अगे आई। जदों इस वचन पढ़िया जिथे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तैनूं वो शांति देना वा जिहड़ा दुनिया तैनूं नहीं दे सकदी। जदों मैं उस वचन पढ़िया अजीब तरह की शांति मेरे अंदर आ गई। मैं सोचिया कि कोई शायद जादू की किताब है। थोड़ा जिहा मैं पढ़िया तो मैनूं शांति जी मिली। थोड़ा जिहा होर पढ़िया होर मैनूं चंगा लग्या। थोड़ा होर पढ़िया होर चंगा लग्या। उस दिन इतवार का दिन सी ते मैं सोचा प्रभु दे दास मैनू कह के गए सी कि इतवार नू कदी समा मिले तो तुसी चर्च विच आ सकदे हो। ते मैं उस दिन चर्च विच गया पिछे बैठा ते बंदगी अटेंड कीती। घर विच आ गया। अगले दिन तो मैं की देखिया कि अखबार विच मेरे खिलाफ खबर आ गई कि फलाने फलाने स्कूल दे प्रिंसीपल ईसाई बन गए। मैं कहते काम खराब हो गया। मैं छड़ दिता सारे नु। मैं क्या कोई भक्ति नहीं करांगा। कुछ समय लिए मैं नास्तिक जा बन गया। मैं कह लिया कि संसार विच कोई भी परमेश्वर नहीं है। जब मैं ऐदा क्या करता कि कोई भी परमेश्वर नहीं है, एक दिन मेरे कमरे विच हनेरे विच रोशनी चमकी। उस दे विचों एक आवाज सुनाई देती कि मेरे बेटे मैं तेन चुने आए ते तू कह रहा कोई भी परमेश्वर नहीं। मैं कह के तुसी कौन हो। उस आवाज ने मैंने कहा कि मैं मुक्ति दाता परमेश्वर प्रभु यीशु हाँ। सो उस आवाज ने कहा कि मैं ही अपने सेवक नू तेरे स्कूल विच भेजा सी। मैं कहा कि प्रभु जी देखो तुहाडे नाम ते मैं तुहाडे चर्च विच गया ते किन्ने लोग मेरे विरोध विच खड़े हो गए। प्रभु ने कहा कि पूरा बोझ मेरे उत्ते पा दे। सब कुछ सीधा कर दूंगा। मैं सारे नु सीधा कर देवांगा। मैं कहा कि प्रभु जी मैनूं तुहाडे घर विच जाके शांति तो बहुत मिली। मैं तुहानूं छड्डना तो नहीं चाहता पर देखो किन्ना विरोध हो रहा मेरा। प्रभु तुसा मैनूं हिम्मत देना। प्रभु ने कहा कि कल का दिन तेरे लिए नवा जा होगा।
ਵਰ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਰ ਗਿਆ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੋਬ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੇਵਕ ਪਾਸਟਰ ਐਰਿਕ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਬਖਸ਼ੀ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਦ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤੀ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਕੋ ਬਦਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਸੋਚ ਕੋ ਬਦਲਿਆ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰੋਂ ਕੋ ਬਦਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਆਦਤਾਂ ਕੋ ਬਦਲਿਆ ਮੇਰੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਕੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਛੋਟੇ ਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇਗੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਬੇਬੀ ਨਿਯੋਮੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਥੋਮਸ ਕੋਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 25 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗਿਫਟ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਵਾਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਲਡੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਬਲਡੀਨਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਗੌਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋੜਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਰਾਧਕ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਕੋ ਘਰ ਦਾ ਤੋੜਾ ਕਿਸਕੋ ਅੱਛੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਡਿਊਟੀ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਕਿ ਚੱਪਲ ਤੁਮੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਭੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਦੀਸ਼ ਕੀ ਤੋੜੀ ਕਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋੜੇ ਦਾ ਠੀਕ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮਤੀ 25 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਆਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਆਏ ਤੱਕ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮਤੀ ਅਧਿਆਏ 25 ਉਹਦੀ 14 ਆਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਆਏ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮਨੁਸ਼ਯ ਕੀ ਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਰਦੇਸ ਜਾਤੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸੋ ਕੋ ਬੁਲਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਉਨਕੋ ਸੌਂਪ ਦੀ ਉਸਨੇ ਏਕ ਕੋ 5 ਤੋੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋ 2 ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਕੋ 1 ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਹਰ ਏਕ ਕੋ ਉਸਕੀ ਸਾਮਤ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਆ ਔਰ ਤਬ ਪਰਦੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਬ ਜਿਸਕੋ 5 ਤੋੜੇ ਮਿਲੇ ਥੇ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕਰ ਉਨਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਆ ਔਰ 5 ਤੋੜੇ ਔਰ ਕਮਾਏ ਇਸੀ ਰੀਤੀ ਸੇ ਜਿਸਕੋ 2 ਮਿਲੇ ਥੇ ਉਸਨੇ ਵੀ 2 ਔਰ ਕਮਾਏ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸਕੋ 1 ਮਿਲਾ ਥਾ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕਰ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਕੇ ਰੁਪਏ ਕੋ ਛਿਪਾ ਦਿਆ ਬਹੁਤ ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨ ਦਾਸੋ ਕਾ ਸਵਾਮੀ ਆ ਕਰ ਉਨਸੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣੇ ਲਗਾ ਜਿਸਕੋ 5 ਤੋੜੇ ਮਿਲੇ ਥੇ ਉਸਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਔਰ ਲਾ ਕਰ ਕਹਾ ਹੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂਨੇ ਮੁਝੇ 5 ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ ਥੇ ਦੇਖ ਮੈਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਔਰ ਕਮਾਏ ਹੈ उसके स्वामी ने उसे कहा धन्य है हे अच्छे विश्वास योग्य दास तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे देख मैंने 2 तोड़े और कमाए उसके स्वामी ने उसे कहा धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छीनता वहाँ से बटोरता है इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया देख जो तेरा है वह यह है उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया हे दुष्ट और आलसी दास तब तू ये कह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता इसलिए वे तोड़ा उसे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा परंतु जिसके पास नहीं है उसे वे भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा हालेलुया हालेलुया इस वचन को कई बार हम बड़ा हल्के में ले लेते इस वचन को कई बार असि बड़े हल्के जी विच ले लेने आ एक स्वामी एक स्वामी ने विदेश जान तो पहला अपने दासां नूं सद्या एक 5 तोड़े सौंपे एक नूं 5 तोड़े सौंपे उस वक्त इस तोड़े की कीमत 30 किलो लगभग चांदी के बराबर होती उस समय इस तोड़े की कीमत लगभग 30 किलो चांदी के बराबर दी हुंदी सी एक 5 तोड़े सौंपे एक नूं 5 तोड़े सौंपे एक 2 तोड़े सौंपे एक नूं 2 तोड़े सौंपे एक 1 तोड़ा सौंपे तीसरे नूं इक्को ही तोड़ा सौंपिया ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿਸਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਥੇ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸਕੇ 5 ਸੇ 5 ਹੋਰ ਕਮਾਏ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 5 ਕਮਾ ਲਿੱਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਸਕੇ 5 ਸੇ 5 ਹੋਰ ਕਮਾ ਕਰ ਉਸਨੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਮਾ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸਨੂੰ 2 ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 2 ਤੋੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਾਸ ਹੋ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗੇ ਰਹੇ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਉਸ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ उसने एक दा एक ही लिया के स्वामी नू वापिस कर दिता कठोर मनुष्य है तू जिथे नहीं बोंदा उथे भी कटना चाहना है ते जे एक भी चला जाता तू मेरे लिए पता नहीं की कहता इसलिए मैं तेरे उस तोड़े नू मिट्टी दे विच गाड़ देता आला एक दा एक तेनु मैं वापिस कर रहा हूँ स्वामी उस पे गुस्सा हुआ ते स्वामी उस उते गुस्सा होया उसको डांट पाई उसनु डांटिया उसके लिए कहा इसको आग के बीच में डाल दो ते स्वामी ने उसनु क्या कि तेनु आग दे विच पिसिया जान ले सटन देना वहाँ एक चीज देखो कृपा करके पिछले वाले भी ध्यान दें देखो स्वामी देखो स्वामी ने एक नू पांच तोड़े दिते सामर्थ उन्हां दी शक्ति दे मुताबिक दूसरे को सामर्थ के मुताबिक दो तोड़े ते दूसरे दी योग्यता मुताबिक उसने दो तोड़े दिते तीसरे को उसकी सामर्थ कम दिखाई देती होगी ते तीसरे ने उसकी सामर्थ के मुताबिक एक कोई तोड़ा देता उसकी सामर्थ उसको कट दिखाई देती उसने स्वामी नू लगता हो रहा सी इनकी कट योग्यता तेनू एक कोई तोड़ा दियो सबको तोड़ी सबको दिए तोड़े तो परमेश्वर ने उस स्वामी ने सारे नू दिते उसी प्रकार ये जो तोड़ा है आज किस समय में तोड़ा किस चीज को दर्शाता है उसे तरीके ना असी देखते हैं कि आए तोड़ा जड़ा है आज दे जमाने में किस नु दर्शाता है आज को प्रभु हर किसी को तोड़ा देता है साडे विचों परमेश्वर सारे नु कोई ना कोई तोड़ा देता है तोड़े को इंग्लिश में बोलते हैं टैलेंट तोड़े नु इंग्लिश में कहा जाता है टैलेंट हर किसी को टैलेंट देता है हर किसी नु परमेश्वर कोई ना कोई टैलेंट देता है कोई ना कोई गुण देता है कोई ना कोई गुण देता है कोई ना कोई कोई ना कोई गिफ्ट देता है कुछ कुछ दान वरदान देता है कोई ना कोई परमेश्वर अपने बंदे नु दान वरदान देता है आराधक को ब्रदर थॉमस कॉलेज को प्रभु वर्शिप का तोड़ा दिया सो तुसी सारे आराधक को ब्रदर थॉमस कॉलेज नु परमेश्वर ने आराधना करने का तोड़ा देता है उनके सुंदर बच्चे का तोड़ा दिया उन्होंने सुंदर बच्चे का तोड़ा देता जब परमेश्वर आप जितने भी जन इस हॉल के बीच में बैठे हो सो जिन्हें भी इस हॉल पंडाल के बीच लोग बैठे ने याद रखो आप चाहे विश्वासी हो चाहे सेवक हो चाहे एवांजेलिस्ट हो याद रखो तुसी चाहे विश्वासी हो चाहे तुसी प्रीचर हो चाहे तुसी अपोस्टल हो चाहे कोई कुछ भी हो ये तो सोचना कि इनको आराधना का तोड़ा दिया मेरे पास कोई तोड़ा नहीं ऐ ना सोचना कि इन्हें आराधना का परमेश्वर ने तोड़ा दिता ते साडे कोल तो कुछ भी नहीं प्रभु जी आपको भी कोई ना कोई तोड़ा जोड़ दिया परमेश्वर ने तुहानू भी जरूर कोई ना कोई तोड़ा दिता है किसको किसी नु कट तोड़े दिते ते किसी नु ज्यादा तोड़े दिते किसको दो गिफ्ट दिते किसको चार गिफ्ट दिते किसको पांच किसी नु दो ही दिते या किसी नु चार दिते या किसी नु पांच गिफ्ट दिते किसको थोड़ा धन का गिफ्ट दिया किसको ज्यादा धन का गिफ्ट दिया किसी नु ज्यादा तोड़ा दे दिता ते किसी नु कट दा दे दिता किसको ज्यादा शिक्षा का तोड़ा दे दिया किसको कम शिक्षा का तोड़ा दे किसी नु ज्यादा शिक्षा का तोड़ा देता किसी नु कट शिक्षा का तोड़ा दे दिता किसको कम पढ़ाई लिखाई का तोड़ा दे किसको ज्यादा किसी नु कट पढ़ाई लिखाई दा किसी नु ज्यादा पढ़ाई लिखाई दा तोड़ा देता छोटे घर का तोड़ा दिता ते किसी नु वड्डे घर का तोड़ा दिता किसको छोटी गाड़ी का तोड़ा दिता किसको बड़ी गाड़ी किसी नु छोटी गड्डी का तोड़ा ते किसी नु वड्डी गड्डी का तोड़ा दिता किसको एक बच्चे का तोड़ा दिया किसको दो बच्चे का तोड़ा किसको चार बच्चे किसी नु एक बच्चे का तोड़ा किसी नु दो बच्चे का किसी का चार बच्चे का तोड़ा दिता किसको छोटी नौकरी का तोड़ा दिया किसको बड़ी नौकरी का तोड़ा किसी नु छोटी नौकरी का किसी नु वड्डी नौकरी का तोड़ा दिता सवाल इस गल दा इत्थे है नहीं कि तुहानू थोड़ा कट दिता गया या थोड़ा वध दिता गया है सवाल इस बात का है कि जो थोड़ा आपको दिया है पर सवाल इत्थे इस गल दा जड़ा थोड़ा परमेश्वर ने तुहानू दिता है चाहे वो प्रचार का थोड़ा दिया चाहे वो प्रचार करन दा थोड़ा दिता चाहे वो
चाहे तुम आराधना करने का तोड़ा दिता, चाहे तुम बच्चों का तोड़ा दिया, चाहे तुम बच्चों का तोड़ा दिता, चाहे तुम अच्छे घर का तोड़ा, चाहे तुम चंगे घर का तोड़ा दिता, चाहे तुम चंगी गड्डी का तोड़ा दिता, उस परमेश्वर दे दित्ते गए तोड़े दा इस्तेमाल किद्दा कर दे हो? सवाल इस बात का, सवाल ता इस गल दा है, चाहे तोड़े कम दी चाहे तोड़े ज्यादा, चाहे तोड़े तुहानू घट मिले चाहे ज्यादा मिले, जिसको पांच तोड़ी दी थी उसको भी वही शब्द पूछी जो दो तोड़ी पाली को बोलेगा। सो जिसनू पांच तोड़े दिते सी ते जिसनू दो तोड़े दिते सी उन्होंने चंगा इस्तेमाल किया, शाबाश दोनों नु ही परमेश्वर ने उस स्वामी ने दीती। सो दोनों नु एको ही शब्द कहे, बड़े विश्वास एक तोड़ा सौंपिया केस नु एक तोड़ा बेशक दे रहा पर ए भी इस दे नाल कुछ मेनू वधा के वापस करेगा। पर उसने उस स्वामी दे दित्ते गए तोड़े दा गलत उपयोग किया, उसको जाके मिट्टी में काट दिया, उसने जाके मिट्टी दे विच दबा दिता, स्वामी दे दित्ते गए तोड़े दी इंसल्ट कर दित्ती। तीसरे तरह का दास किद्दा दे चारकां नूं किद्दा दे वर्शिपर नूं या किद्दा दे मसीह लोकां नूं दर्शांदा है, जिहड़े उस परमेश्वर दे दित्ते गए गिफ्ट का ठीक इस्तेमाल नहीं करदे। परमेश्वर ने तुहानूं वरदान तां दित्ता, उस दी महिमा दे लई उसका इस्तेमाल नहीं करदे। परमेश्वर ने तुहानूं पैसे का धन का तोड़ा तां दित्ता, अपने कम्मां दे लई तां तुहानूं लोक बहुत खर्च करदे ने, पर परमेश्वर दे लई नहीं। बच्चों का तोड़ा दिया, परमेश्वर ने तुहानूं बच्चों का तोड़ा दिता, सो बच्चों नूं अपने घर दे कम्मां लई अपनी ड्यूटियां दे कम्मां लई तां लगांदे आ, कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। सानूं परमेश्वर ने दो बच्चों का तोड़ा दिता, परमेश्वर के अगे दुआ नहीं की कि साडा बच्चा डॉक्टर बने जां साडा बच्चा इंजीनियर बन जाए साडा बच्चा ऑफिसर बन जाए। सो एक ही गल कही कि वह परमेश्वर तुहाडी महिमा करन वाले तुहाडे बच्चे तुहाडी दासियां बनन। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ तोड़ा प्रभु ने दिया, तुहानूं जो तोड़ा खुदा ने दिता जेकर उसका ठीक उपयोग नहीं करांगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਠੀਕ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਠੀਕ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਰਾਧਕ ਉਸਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋੜੇ ਦਾ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਉਸ ਕੇ ਥੋੜੇ ਉਪਯੋਗ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ,
उस परमेश्वर दी मेहनत करता है, उसको अच्छी सोच के साथ प्रयोग करता है, उसको चंगी सोच दे नाल ठीक इस्तेमाल करता है। बाइबल कहती है उसको और दिया जाएगा, ये बाइबल दस दिया उसने और दिता जाएगा, ताकि उसके पास बहुत हो जाए, ताकि उसके कोल बहुत हो जावे। क्या की बात और लिखी है, पर लास्ट विच गल और लिखी है, जिसके पास नहीं है, जिसके कोल नहीं है, क्या नहीं है, की नहीं है, उसकी थोड़ी का प्रयोग करने की बुद्धि नहीं है, उसके तोड़े नु ठीक उपयोग करने की बुद्धि नहीं है, उसके तोड़े नु ठीक उपयोग करने की समय नहीं है, उसने तोड़े उपयोग करने लिए मेहनत नहीं है, उसके पास जो थोड़ा दिया गया है, उसने कोल जो थोड़ा बहुत भी दिता गया है, वो भी दे दिया जाए, वो भी वापस ले लेता जाएगा, उसको दिया जाएगा जिसके पास थोड़ी को प्रयोग करने की बुद्धि है, तो वो थोड़ा भी उसने सौंप दिता जाएगा जिस नु परमेश्वर दे देते गए थोड़े नु ठीक उपयोग करने लिए बुद्धि है। एक वचन असि पढ़ांगे मत्ती 10 अध्याय 43 पढ़ांगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दे दिया जाएगा। लिखते हैं कि उन्हों को राज्य परमेश्वर का ले लिया जाएगा जिन्हों को ठीक उपयोग करने की बुद्धि नहीं है, उस जाति नु दे दिता जाएगा जड़ा उसका ठीक उपयोग कर सकती। एक दिन साडा दूल्हा जब स्वर्ग तो वापिस आएगा, ते लिखे बाइबल कहंदे कि सारे दा हिसाब किताब लवेगा, चाहे वह विश्वासी हो, चाहे अपोस्टल हो, चाहे प्रभु दे दास हो, चाहे दासियां हो, चाहे वर्षी पर हो, ते बाइबल दस दियो सारे दा ही लेखा लवेगा, जिसने उसने दिते गए थोड़े का ठीक इस्तेमाल किया, जिसने उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, उसने प्रभु शाबाशी देने, जिसने उसका ठीक उपयोग नहीं किया, तुहानू परमेश्वर ने धन पैसा दिता जेकर तुसी उसका ठीक इस्तेमाल नहीं किया, तुहानू परमेश्वर ने चंगी कोठी चंगा कर दिता जे तुसी परमेश्वर की महिमा लिए ठीक इस्तेमाल नहीं किया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸੋਨਾ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠਾ ਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਠੀਕ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਠੀਕ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, लेकिन जो कोई ठीक उपयोग नहीं करेगा, जड़ा कोई उसका ठीक इस्तेमाल नहीं, उसके पास से उस तोड़े को वापिस ले लिया जाएगा, बाइबल दस दी है जड़ा तोड़ा उसनु दिता गया वो भी वापिस ले लिता जाएगा, चाहे आपको प्रभु ने बच्चों का तोड़ा दिया, चाहे परमेश्वर ने तनु बच्चिया का तोड़ा दिया, चाहे आपको धन का तोड़ा दिया, चाहे तनु किसी और चीज का तोड़ा दिया, चाहे आपको अच्छी ड्यूटी का तोड़ा दिया, चाहे तनु चंगी ड्यूटी का तोड़ा दिया, चाहे आपको अच्छी कोठी का तोड़ा दिया, चाहे तनु चंगी कोठी का तोड़ा, चाहे आपके बच्चों को विदेश भेजा, चाहे तुम्हारे बच्चों विदेश में ज्यादा याद रखो, अगर उसके तोड़े का ठीक प्रयोग नहीं करोगे, याद रखना जेकर उसने दिते गए तोड़े का ठीक इस्तेमाल नहीं, आपको डांटेगा परमेश्वर, ते तुहानू आके डांटेगा परमेश्वर, और आपकी जगह आग के अंदर होगी, ते तुहाडी जड़ी जगह फिर नरक दे विच ही होवेगी। जब मैं हरियाणा स्टेट दे विच रहा करता सी, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਰ ਪਾਸਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਾ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਰੋਸ਼ਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਲੀਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਈ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਭਾਈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਇਹ ਤੋੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੋੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋੜਾ ਹੈ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੋੜੇ ਦੇ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੀ ਅਗਲਾ ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਂਗੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਾ ਲਏ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਪਾ ਲਏ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋੜੇ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਸ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਕੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਤੋੜੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੀ ਜਬੜੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੋੜਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸਦੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਾਮਰ ਦਾ ਤੋੜਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਮਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੁਣੇ ਜਾਈਏ ਹੋਰ ਸੁਣੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੁਣੇ ਜਾਓ ਸੁਣੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਗਲੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਤੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਂਗਾ 10 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਣਾ ਸੀ ਸਮਝਾਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਸੀ ਸਮਝਾਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਅਫਸੋਸ ਕੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਫਿਲਮੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਕੋ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੋੜਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਕਿ ਦਸ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਦੂੰਗੀ ਉਸੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੱਚਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਸ ਕਿ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਉਸਕੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਦੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਹਣਾ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੀ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਵਾਂਗੀ ਸੇਵਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ ਇਹੀ ਸੇਵਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਦੇਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁੱਟਾ ਤੱਕ ਆ ਆਸ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਆ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪਾਸ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿੱਦ ਜਿੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਾਮ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਆ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਨ ਬੋਲੀ ਲਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਸੀ ਐ ਸਭਾ ਰਖਵਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਵਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਤੋੜਾ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋੜਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਆਪਕੋ ਧਨ ਕਾ ਤੋੜਾ ਬੱਚੋ ਕਾ ਤੋੜਾ ਕਾਜੀ ਕਾ ਤੋੜਾ ਕਾਜੀ ਕਾ ਤੋੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾ ਤੋੜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
याद रखो जोड़ा परमेश्वर तुहानू तन दा बच्चा दा गां दा वजां दा प्रचार करन दा गवाही देन दा तोड़ा दे सकदा है अगर उसका ठीक प्रयोग नहीं करोगे जेकर उसका ठीक प्रयोग नहीं करोगे अखबार बेच के अपने कमरे का किराया चुकता कर रहा पर मैं प्रभु ने एक ही गल कह दी थी प्रभु तू मेनू सद्या मैं हुन तेरे कम लई निकल आया हुन मैं पीछे नहीं जावांगा चाहे मैं झाड़ू लगाना पवे चाहे मैं बर्तन साफ करने पवे तो मेरे दिल नू चीड़ के देख ले जितनी मर्जी मेरी परीक्षा ले ले कलीसिया 313 अज 1000 लोगों की कलीसिया बन गई आज तक 29 साल हो गए अपने नाम से कोई भी बैंक अकाउंट नहीं रखा मेरी मिसेज के नाम मेरे बच्चे दो बच्चे नाम कोई बैंक अकाउंट नहीं रखा एक कोई बैंक अकाउंट जो कि चर्च के नाम का इस्तेमाल उसका ही धन उसका ही तोड़ा उसके कम लिए इस्तेमाल हो रहा असं किसी चर्च का मैंबर नहीं रखते जेकर कोई विश्वासी किसी दूसरे चर्च में जा रहा है साढ़े चर्च में आना चाहता है तो उनके को NOC लिता जाता है जेकर साढ़े चर्च का विश्वासी किसी दूसरे चर्च के मैंबर तोड़ के लेके आता है 500 रुपए जुर्माना लगाया जाता है ये प्रभु दे आराधक जड़े साढ़े को जा चुके हैं सारा कुछ जान देने हालेलुया हालेलुया परमेश्वर ने सेवकाई की वफादारी देखते हुए सेवकाई दिनों दिन बधाया अज कितने चर्च जो टूटे हुए लोगों के नाल ही भरे हुए वो लोग कहते हैं कि लोग आते रहे चाहे कितों भी आते रहे कोई चंगी सेवा नहीं कि टूटे हुए लोग ही आते रहे टूटे हुए लोग जड़े गोद लेते हुए बच्चे के समान होंगे गोद लेते हुए बच्चे जो तो होश आवाज आती है तो भज जाता है मेरे असली माँ प्यो ने गोद लिता हुआ बच्चा होश आवाज से आके भज जाता है टूटे हुए विश्वासी भी गोद लेते हुए बच्चे के समान ने गोद बच्चा लेंदा कौन है थॉमस कॉलेज गोद बच्चा लेंदा कौन है जिससे अपने घर बच्चा पैदा ना होंदा होवे जेकर कोई सेवक खुद नवे लोगों को बचा नहीं सकता टूटे हुए मेंबर नाल कहेगा कि चर्च भर जाए जेकर उसके दिते गए तोड़े का ठीक इस्तेमाल करोगे परमेश्वर वधांदा चला जाएगा चर्च नूं वधांदा चला जाएगा कलीसिया नूं तुहाडे परिवार नूं वधांदा चला जाएगा तुहाडे घर नूं वधांदा चला जाएगा जिन्हें पांच दे बदले पांच होर लिया के दे दे मालिक ने स्वामी ने कहा कि तू तान है तू विश्वास योग्य तू वफादार है जड़ा उसके तोड़े के वफादार नहीं रहा सो उस एक लैके दूसरे नु सौंप दिता गया परमेश्वर ने शाऊल नु राजा बनाया सी परमेश्वर के काम वफादार नहीं रहा जादूगरनी दे कोल चला गया परमेश्वर ने राजा की गद्दी उस तो वापिस ले ली राजा बना दी उसके बदले दाऊद नु राजा बना दिता याद रखो उसके तोड़िया नु जो परमेश्वर की महिमा दे लई इस्तेमाल करता है उसको बढ़ाता है उसनु परमेश्वर दिनों दिन वधांदा है तो
परमेश्वर ने अपने दास ब्रदर थॉमस को अलीजी ने सुंदर पत्नी दी, सुंदर बच्ची की बरकत दी, उसके काम में वफादारी दे नाल चलते गए। परमेश्वर वधांदा चला जाएगा, वधांदा चला जाएगा। तुहानू परमेश्वर बच्चा दे विच वधाएगा, सेवकाई दे विच वधाएगा। नियोमी जड़ी बच्ची खुदा ने इस परिवार विच दिती है, बरकत दिती है, तोड़े दे रूप विच दिती है। सो बेटी बल्डी ने जड़ी ब्रदर थॉमस कॉली नू तोड़ा दिता है। उस तोड़े का ठीक उपयोग करोगे, तुसी उस तोड़े का ठीक इस्तेमाल करोगे, आपको प्रभु बढ़ाई का चमकाएगा, तुहानू परमेश्वर वधावेगा, चमकावेगा। किन्ने लोग अपने बच्चों का ठीक इस्तेमाल नहीं करते, अपने बच्चों फिल्मों के वाल गंदे गीतों वाल तो वधाते रहते हैं, दुनियावी स्टडी वाल तो वधाते रहते हैं, पर परमेश्वर के वचन विच नहीं वधाते, प्रभु की संगत विच नहीं लेके आते, उन्हां कोल प्रार्थना नहीं करवाते। जेकर उस परमेश्वर की महिमा दे लई उन्हां नूं नहीं वधाओगे, ते एक दिन उह लै लवेगा। जेकर उसकी महिमा लई वधाओगे, ते उह परमेश्वर तुहानूं वधांदा चला जाएगा। किसी ने शेयर किया सी, जिस दिन से चला हूँ मसीह जीवन के सफर में, जिस दिन से चला हूँ मसीह जीवन के सफर में, जिस दिन से चला हूँ मसीह जीवन के सफर में, बस मंजिल पे मेरी नजर है, बस मंजिल पे मेरी नजर है। किस पे नजर है? किस पे नजर है? स्वर्ग मंजिल पे नजर है, स्वर्गीय मंजिल दे वाल नजर है। जिस दिन से चला हूँ मसीह जीवन के सफर में, जिस दिन से चला हूँ मसीह जीवन के सफर में, बस मंजिल पे मेरी नजर है, बस मंजिल पे मेरी नजर है। आंखों में मेरे रास्ते में कभी भी, आंखों ने मेरी रास्ते में कभी भी, ऐस अखा ने मेरे रास्ते विच कदे भी मील का पत्थर नहीं देखा, मील दा पत्थर नहीं देखा, किलोमीटर का पत्थर नहीं, मील दा पत्थर किलोमीटर दी दूरियां वाला पत्थर नू नहीं देखा। सफर भी तो चल रहा हूं, कि मैं परमेश्वर दे सफर विच ता चल रहा वा, किले मिनो किलोमीटर चल पिया, किन्ने किलोमीटर चल पिया, उस नू नहीं देखा, परमेश्वर दी उस मंजिल नू देखदा जा रहा वा, उसकी निशानी की तरफ दौड़ा जा, सिर्फ उस निशाने दे वल भज्जा चलिया जा रहा वा, निशानी की तरफ दौड़े चले जाओ, जब उस निशाने दे वल भज्जे चले जाओगे, उसको आपको तेज में कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, ते परमेश्वर नू तुहानू देण विच कोई भी दिक्कत नहीं होवेगी। सेवन सीटर गाड़ी प्रभु ने दी थी, सारे को प्रभु ने एक सेवन सीटर गड्डी होनी, जब मैं सेवकाई शुरू की एक साइकिल मेरे को शुरू शुरू साइकिल ते वफादारी ना 70-80 किलोमीटर जाया करदा। उसके बाद प्रभु ने सेवकाई को पढ़ाया एक सेवन सीटर गाड़ी थी। उस तो बाद परमेश्वर ने सेवकाई नू दिनों दिन वदा वदा के सेवन सीटर गड्डी दी थी। पिछली दो दिन पिछली एक सिस्टर फगवाड़ा से हमारे चर्च में आई। पिछले 1.5-2 महीने पहले सड़े एक चर्च दे सिस्टर फगवाड़े तो सड़े बेच आए। अचानक खड़ा होकर अनाउंस किया। अचानक स्टेज पे खड़ा होकर अनाउंस किया। पैसा मैं लगावांगी। मैं हैरान रह गई कि तुसी तुसी सिस्टर सपना तो कोई दिखा रहे, कोई सपना तो नहीं देख रहे, तुसी कोई सपना तो नहीं इस बारे देखा। कह रहे मैंने प्रभु ने कहा कि एक परेड आवाज़ में सेवन सीटर गड्डी देनी है। पिछले महीने में एक सेवन सीटर गड्डी 29 लाख रुपए की परेड आवाज़ में अपने अकाउंट चो 29 लाख रुपए ट्रांसफर किया तो मेरे अखा में आंसू आ गए। प्रभु जी मैं तो तुहाडी सेवकाई दे विच इक साइकिल ते चलिया करदा सी। कि प्रभु जी जदों मैं अपने हरियाणा तो घर दे विच तो लुधियाने विच आया सी, मैं अपने पापा जी तो कोई हिस्सा नहीं लेके आया सी। असी घर विच टोटल 4 पाई आ। जेकर मैं 30 साल पहला उन्होंने तो अपना हिस्सा लेंदा ते 50-60 लाख रुपए मेरे हिस्से च आंदा। पापा कुछ कदे दिया, पापा मुझे कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं चाहिए।
मैं अपने पापा जी लिख के दिता कि मैं प्रॉपर्टी चो कोई हिस्सा नहीं चाहिए ते मैं खाली लुधियाने दे विच आया एक ड्रेस पा के ही मैं लुधियाने दे विच आया सी। आज भी कोई ज्यादा ड्रेस नहीं रखते, तीन चार ड्रेस सही नहीं रखा कि प्रभु जी मैं तो साइकिल ते चलिया करदा सी कि प्रभु जी मैं तो हरियाणा तो एक ड्रेस ही पा के आया सी तो मेरे विच की चंगा लग्या। प्रभु जी ने बात कही, प्रभु ने एक गल कही, बेटा तेनू जो मैं जिम्मे भी समझांदा गया जिम्मे भी करदा रहा जिन्ना भी मैं तेनू कुछ देंदा गया तू उस दे विच वफादारी दिखांदा गया तू उस चीजा दे विच वफादार बनिया रहा। किन्ने सेवक किन्ने लोग इदा दे रहे जड़े की परमेश्वर की सेवकाई का 75% पान गए अपने अकाउंट से 25% पान गए परमेश्वर की सेवकाई के अकाउंट परमेश्वर देन तो पहला 10 बारी उन्होंने सोचता है। उसने तो धन का तोड़ा दिता चाहे किसी होर अन्य चीज का तोड़ा दिता उसके वफादार हो जाओ थोड़े वफादार रहो एक दिन परमेश्वर तो बहुत ज्यादा पाओगे। एक साड़े चर्च में लड़का सेवा करता सी बहुत ही वफादारी दे नाल उसको एक दिन लड़का बेटा तू विदेश जाएगा। एक दिन मैं उस बेटे ने कहा कि बेटा तू विदेश विच जाएगा उसका दुबई जाने का वीजा लग गया 35,000 रुपया उसे तनखा पान लग गया। उसने कहा कि तू एक साल ही दुबई दे विच रहना है उस तो वक्त बड़ी कंट्री का टू ट्राई करना उत्थे भी जाके तू प्रार्थना दे विच वचन दे विच संगति दे विच दसवांश कढ़ना कदे मिस नहीं करना। सो एक साल दे बाद उन्हें अमरीका कंट्री का वीजा अप्लाई किया 4 महीने पहला वो अमरीका कंट्री विच चला गया। अमरीका विच जांदे ही उसनू पौने 3 लाख रुपया तनखा लगी 2,500 रुपया उसने प्रभु के घर भी टाइथ भेजा। उसने कहा कि बेटा तेरी तनखा 5 लाख रुपए तक जाएगी तेन बस प्रभु जो देंदा जा रहा उस दे विच वफादार रहना कदे आत्मिक गलों प्रार्थना करने वचन पढ़ने नहीं छड़ना। सो दूसरे महीने उनकी तनखा बढ़ के 3 लाख हो गई उसका दसवां 30,000 आ गया। तीसरे महीने उनकी तनखा 3.5 लाख बढ़ गई उसका दसवां 35,000 आ गया। चौथे चरण बढ़ के 4 लाख रुपया तनखा उसका दसवां 40,000 आ गया। परसों ही उनकी तनखा का दसवां 50,000 रुपया जो तुसी क्या सी मेरी तनखा 5 लाख के आसपास पहुंच गई। हालेलुया। खड़े हो जाओ अपनी जगह खड़े हो जाओ अपने अपनी जगह दे। हालेलुया। 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 आपको खुदा ने जो कुछ भी दिया है परमेश्वर ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है आज अपने थोड़े की कदर करना सीख जाओ। आज अपने दिते गए तोड़े की कदर करना सीख जाओ। अगर उसके तोड़े का गलत प्रयोग करोगे जेकर उसके तोड़े दे विच वफादार रहोगे अगर उसके तोड़े का गलत प्रयोग करोगे जेकर उसके तोड़े का ठीक इस्तेमाल करोगे गलत प्रयोग करोगे जेकर गलत होता इस्तेमाल करोगे अगर उसके तोड़े को मिट्टी के बीच में काढ़ोगे जेकर उसके दिते गए तोड़े नु मिट्टी दे विच सड़ दोगे याद रखना जैसे वो देता है वैसे वो ले भी लेता है। याद रखना जितना वो देता है उतना वो ले भी लेता है। अगर उसने बच्चों का तोड़ा दिया जेकर उसने बच्चिया का तोड़ा दिया अगर उसने अच्छी ड्यूटी का तोड़ा दिया जेकर उसने चंगी ड्यूटी का तोड़ा दिया अगर उसने अच्छी कोठी का तोड़ा दिया जेकर उसने चंगी कोठी का तोड़ा अगर परमेश्वर ने अच्छी गाड़ी का तोड़ा दिया जेकर परमेश्वर चंगी गड्डी का तोड़ा दिया अच्छे धन का तोड़ा दिया चंगे तनु पैसे का तोड़ा दिया अच्छे प्रचार का तोड़ा दिया चंगे प्रचार करने का तोड़ा दिया अच्छे वर्शिप का तोड़ा दिया चंगे आराधना करने का तोड़ा दिया अगर उसका गलत प्रयोग करोगे जेकर उसका गलत इस्तेमाल करोगे याद रखना ऐसे एक थोड़े पाले से थोड़ा पापिश लेकर उनको दे दिया जिन्होंने उसका ठीक प्रयोग किया था जिन्हें एक तोड़े वाले को एक तोड़ा लेके वापिस उस
जिन्होंने ज्यादा तोड़े कमाए। हो सकता है किसी की बरकत इसलिए रुकी पड़ी हो, हो सकता है किसी की आशीष बरकत इसलिए रुकी है, परमेश्वर ने उसको जो कुछ पहले दिया था उसमें वफादारी नहीं मरती। परमेश्वर ने जो तोड़े जो उपहार उन्होंने पहला दिता सी उसके विचों ठीक इस्तेमाल उन्होंने किया। अगर हन्ना पहले बच्चे में वफादार ना रहती, जेकर हन्ना अपने परमेश्वर दे दिए गए पहले बच्चे विच वफादार ना रहती, कभी दूसरा तीसरा पांचवा बच्चा कभी ना पाती, ते कदे भी परमेश्वर तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बच्चा कदे ना पाती। अगर शाऊल अपनी ड्यूटी में राजा के पद पर वफादार रहता, जेकर शाऊल अपने राजा दी गद्दी ते वफादार बनया, परमेश्वर को दाऊद को कभी ना चुनना पड़ता, ते परमेश्वर नु दाऊद नु कदे भी ना चुनना पेंदा। परमेश्वर के लोगों आपको सभी को कोई ना कोई तोड़ा परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर दे बच्चों परमेश्वर दे लोगों परमेश्वर ने कोई ना कोई तोड़ा तो नु जरूर देता है। आप अपने तोड़े का उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू करो, उसी परमेश्वर दे दिए गए तोड़े नु परमेश्वर दी महिमा लिए इस्तेमाल करो, उस कहे तोड़े को मिट्टी के अंदर कभी ना गाड़ो, सोचते दिए गए तोड़े नु कदे भी मिट्टी दे विच ना गाड़ो, उस कहे तोड़े का प्रयोग करने के लिए पूरी ताकत लगा दो, उसने दिए गए तोड़े नु उपयोग करने लिए अपनी पूरी बुद्धि लगा दो। अगर थोड़ा दिया तो थोड़े में वफादार हो जाओ, जेकर परमेश्वर ने तुम थोड़ा देता है थोड़े दे विच वफादार, एक दिन ज्यादा का अधिकारी बनाएगा, एक दिन वो परमेश्वर तुम ज्यादा का अधिकारी बनाएगा। पहले परमेश्वर थोड़ा देकर परखता है, पहले परमेश्वर तुम थोड़ा देके परखता है, आपको थोड़ी इज्जत देकर परखता है, तुम थोड़ी इज्जत देके परखता है, आपको थोड़ा धन देकर परखता है, तुम थोड़ा पैसा देके परखता है, आपको छोटा घर देकर परखता है, तुम छोटा कर देके परखता है, आपको छोटा बिजनेस देकर परखता है, तुम छोटा बिजनेस देके परखता है, आपको छोटी ड्यूटी देकर परखता है, तुम छोटी ड्यूटी देके परखता है, आपको छोटे कंट्री का वीजा लगा के परखता है, तुम छोटी कंट्री का वीजा लगा के परखता है। अगर उसमें वफादार पाए गए, जेकर तुसी उस दे विच वफादार पाए गए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, परमेश्वर तुम वधावेगा, तुम परमेश्वर फुलाएगा, परमेश्वर तुम फलवंत करेगा। अगर थोड़े में वफादार ना रहे, जेकर तुसी थोड़े दे विच वफादार ना रहे, वो भी आपसे ले लिया जाएगा। याद रखना बाइबल कहती है कि वो भी तुम्हारे तो वापिस ले लिया जाएगा। प्रार्थना करेंगे, आओ असी प्रार्थना भी जावांगे, सोच लो अपने मन में, सोच लो बात की जेकर परमेश्वर ने तुम्हारे ना गल बात की है, सोच लो, सोच लवो आपके थोड़े से प्रभु को महिमा ने मिलनी जो मिलनी चाहिए, हो सकता है तुम्हारे जो परमेश्वर ने तोड़ा दिता जो परमेश्वर ने उस दिन महिमा मिलनी चाहिए वो महिमा नहीं मिल पाई, ਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਘਰ ਕੋਠੀ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਪਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਸੋਚੋ, ਬਦਲ ਜਾਓ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਆਪਕੋ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਆਪਕਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਣੇ 10 ਟਿਪਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਦਿਵਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣਨ। ਕਰ ਜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਕਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋੜੇ 2 ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹਾਇਆ ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
पर जिसने तुसे एक तोड़ा दिता से उसने मिट्टी में जाके दबा दिता तो उसने तुसी डांट लाई ते उसने तुसी आदेश दिता कि इसनु नरक गुण दी अग दे विच सट दिता जावेगा उसको और दिया जाएगा ते बाइबल दसदी है जिनु जिंदे कोल है उसनु होर दिता जावेगा उसके पास बहुत सा हो जाएगा ताकि उसके कोल बहुत सारा हो जाए थोड़ा जरूर दिता है ओ प्रभु जी हुण तो तुहाडे बच्चे तुहाडे दित्ते गए तोड़े नूं पहचानन तुहाडे दित्ते गए दाना वरदाना नूं पहचानन जाणन उस भी वफादार रहे प्रभु ते उस तोड़े दे विचों वफादार हो जा उस तोड़े को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे उस तोड़े नूं तुहाडी महिमा दे लई इस्तेमाल करे परमेश्वर आई हुई संगत को आज के वचन से बड़ी बरकत देकर विदा कर ओ परमेश्वर आई हुई संगत वाली सभा द्वारा बड़ी बरकत देके विदा कर दुआ करते हैं ओ प्रभु जी असीं तुहाडे सेवक हुंदे नाते तुहाडे सेवक ब्रदर थॉमस कॉलेज लई प्रार्थना करदे हां थोड़ा दिया है ओ प्रभु जी तुसीं अपने दास नूं आराधना करन दा तोड़ा दित्ता है खुदावन धन्नवाद करदे हां कि तुहाडे दित्ते गए तोड़े नूं हजारां हजारां लक्खां लोकां विच ले गया के इस्तेमाल करदे ने ओ पिता परमेश्वर से तुम्हारे दास होने नाते ब्रदर थॉमस को हाली और बेटी बल्डीना जैसे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं अपने दाना वरदाना दे नाल होर भर के खुदावन अपनी सामर्थ अपनी शक्ति दे नाल इस्तेमाल कर इनको दिया गया तोड़ा लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का वसीला बन जाए प्रभु प्रभु जी इन्हों दिता गया तोड़ा लखा करोड़ा लोगों के लिए बरकत का कारण हो पिता आपके छोटी बेटी नियोमी को इनके घर में जन्म देकर एक और तोड़ा इनको दिया है पिता ओ प्रभु जी तुसी इन्हों के घर में खूबसूरत बेटी नियोमी का जो तोड़ा इस परिवार को दिता है पिता होने दे ये बेटी नियोमी भी एक बड़ा आपकी महिमा का तोड़ा आने वाले समय में साबित होने पाए प्रभु ओ पिता परमेश्वर ये बेटी इस परिवार के लिए एक बड़ा वदिया तोड़ा इस परिवार के लिए साबित हो पाए ये बेटी भी एक अच्छी रात बनकर लाखों करोड़ों लोगों तक आपके सुसमाचार को फैलाने वाली बन जाए पिता ये बेटी भी एक चंगी आराधक तुम्हारी चंगी दासी बन के खुदावन लख करोड़ों लोगों के लिए बरकत का कारण तुम्हारे प्रचार फैलाने वाली परमेश्वर का आत्मा कहते हैं परमेश्वर तुझे भविष्यवाणी का और एक आराधना करने का आप यीशु के साथ आराधना करोगे इस तोड़े को देकर आपको इस्तेमाल करेगा परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुसी भविष्यवाणी दे और आराधना करने का गिफ्ट परमेश्वर ने दिया तुसी बड़े होके इस्तेमाल इसनु करोगे ये बच्चे जब 12 साल की होगी परमेश्वर की आराधना करने में आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी परिवार के लिए इनकी कलीसिया के लिए एक बड़ी आशीष का थोड़ा बन जाए प्रभु अपने दास दासी जी नौवीं बच्ची का तोड़ा दिता है परमेश्वर अपने पूरे परिवार के लिए खानदान के लिए अपने मम्मी पापा के लिए दाद के नान के परिवार के लिए बड़ी आशीष का कारण हो पावे प्रभु आपके दास के परिवार के लिए आज की बंदगी बड़ी बरकत का वसीला बन जाए पिता प्रभु जी तुम्हारे दास के लिए आज कराई गई बंदगी बड़ी बरकत का कारण हो पावे उसकी कोई भी शक्ति जो इनके खिलाफ किसी भी तरह से काम करना चाहती यीशु मसीह के नाम में तुझे खंडन करता इनके जिस्म को इनके घर को छोड़ जा दुष्टी कोई भी शक्ति जो इन्होंने खिलाफ काम करने की कोशिश कर दी खुदा यीशु मसीह के नाम में इन्होंने शरीर तो इन्होंने जीना तो इन्होंने परिवार इन्होंने सेवकाइयां तो दूर हो जाए कोई भी दुष्टी शक्ति बेटी नियोमी के खिलाफ कभी भी काम ना कर पाए पिता कोई भी दुष्टी शक्ति बेटी नियोमी के खिलाफ कदे काम ना करे प्रभु आपके इतिहास होने के नाते पिता ब्रदर थॉमस पहली परिवार को आशीष देते हैं ओ ब्रदर थॉमस को अली सिस्टर बल्डीना ने दोनों परिवारों को बड़ी बरकत प्रभु यीशु के नाम में इनकी पूरी कलीसिया को प्रभु यीशु के नाम से बरकत देते हैं कलीसिया में खुदा
यीशु मसीह के नाम दी बरकत देने जितने भी पिता आपके आराधक आपके सेवक यहाँ पर आए उनके लिए आपके बेटे यीशु की बरकत मांगते हैं पिता प्रभु जी जिन्हें भी तुहाडे सेवक जिन्हें भी तुहाडे आराधक इत्थे आए ने प्रभु यीशु मसीह की बरकत सबना दे उत्ते मांगदे आ हे पिता आप कह दिए तोड़े को लाखों करोड़ों लोगों तक आपकी महिमा का वसीला के लिए इस्तेमाल करने पाए पिता ओ प्रभु जी तुहाडे दित्ते गए तोड़े नु लाखों करोड़ों लोगों विच ले जा के तुहाडी महिमा लई इस्तेमाल कर पाए इस छत के नीचे खड़े हुए एक एक जन को प्रभु के दास होने के नाते परमेश्वर के नाम से ब्लेस करते हैं इस छत पे खड़े हुए एक एक जन एक एक परिवार नु खुदा ने यीशु मसीह के नाम विच आशीष और बरकत देने छोटी बच्ची के जन्म के उपलक्ष में इस सारी संगत को परमेश्वर के दास होने का प्लस कर दी ए छोटी बच्ची न्योमी दे परिवार दी जन्म दी खुशी दे वेच खुदावंद इस पूरी आई जमात नु परी सभा नु एक एक विश्वासी जन दे करा विच खुदावंद यीशु मसीह दी ब्लेसिंग देने है प्रभु का आत्मा कहतो है कई सेवकों की सेवकों की सेवकाइयों को प्रभु ए तरीके से इस्तेमाल करने चाह रहे हैं परमेश्वर दा आत्मा कहंदा है कि परमेश्वर कई सेवका दी सेवकाई विच एक नवे तरीके नाल उन्हां नु इस्तेमाल करन चाह रहे हैं प्रभु का आत्मा कहतो कई सेवक अपनी बुलाहट पीछे हटकर अपने तोड़े को फूल कर दूसरा अलग तरीके से प्रभु के काम को कर रहे हैं परमेश्वर आत्मा कहता है कई परमेश्वर दे दिते कोड़े नु ठीक उपयोग ना करके अपनी मर्जी दे नाल उस तोड़े का उपयोग कर रहे हैं उसकी कोई शक्ति आपके लोगों के खिलाफ प्रभु यीशु के नाम में इनके जिस्म को छोड़ दुष्टी कोई भी शक्ति खुदावन जो तेरे लोका दे पीछे काम कर दे खुदावन यीशु मसीह दे नाम में चना तो दूर स्थान की बात तो यीशु मसीह के नाम में इस पूरे शहर पूरे पिंड को के अंदर कोई भी ताकत काम करती यीशु के नाम में छोड़ जा दुष्टी कोई भी शक्ति जो इस पिंड विच ऐसे इलाके विच इस शहर विच काम कर दी खुदावन यीशु मसीह दे नाम विच को सो दूर हो जा उसकी सारी ताकत जो इनके बिजनेस पर टाका डालती इनके घरों में छक्का कराती इनको बीमारी के बिस्तर पर डालती यीशु के नाम में इनको छोड़ जाओ दुष्टी कोई भी शक्ति जो ना दे करा दे विच परिवार दे विच झगड़ा पांदी जो ना दे बिजनेस से डाका मारदी जो ना ने बीमारी दे बिस्तर दे पांदी खुदा ने यीशु मसीह दे सामर्थ्य दे पवित्र नाम विच ना तो दूर हो जाए सब प्रकार की पेट की बीमारियां कमर की बीमारियां ढालने वाली आत्मा यीशु के नाम में इसी खड़ी इनके जिस्म को छोड़ जा सब तरह दी पेट दी कमर दी बीमारियां पान वाली दुष्टी शक्तियां खुदा ने यीशु मसीह के नाम में लोग का तो दूर हो जाए खुदा के दिए के तोड़े को इस्तेमाल सही तरीके से कर करने रोकने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में इनके घरों को इनके जिस्म को छोड़ जा परमेश्वर दे देते गए तोड़े नो ठीक इस्तेमाल ना करवा के गलत तरीके ने इस्तेमाल करने वाली हर एक दुष्टी ताकत खुदा ने यीशु मसीह के नाम में तेरे लोग का तो पूरी तरह दूर हो जाए हम यीशु के नाम में पिता पूरे पंचायत को आपके बेटे यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरे पासी अपने अपने पूरे पंजाब नु खुदा ने यीशु मसीह के नाम में आशीष देने हैं हम यीशु के नाम में हम अपने पूरे देश को आशीष देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जैसे अपने पूरे भारत वर्ष नु बरकत देने हैं हम यीशु के नाम में पिता पूरी दुनिया के एक एक कोने को आशीष देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुनिया के पूरे एक एक कोने नु खुदा ने यीशु मसीह दी ब्लेसिंग्स देने एक एक कंट्री इस पृथ्वी का एक एक जन जान जाए कि यीशु मसीह ही मुक्ति दाता परमेश्वर है इस संसार विच रहने वाला एक एक व्यक्ति जान जाए कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा ते मुक्ति दाता परमेश्वर है शुक्रिया प्रभु आपने सब दुआएं सुन शुक्रिया कर दिया परमेश्वर तुसी सारियां दुआवां नु सुन लेता है प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगया है पिता आमेन।